हल्द्वानी में भोटिया पड़ाव पुलिस और एसओजी को एक बड़ी सफलता मिली। हम आपको बता दें कि भोटिया पड़ाव चौकी के पीछे एक व्यक्ति काफी लंबे समय से अपने घर से शराब की तस्करी कर रहा था और उचित दामों पर ग्राहकों को शराब बेच रहा था। वहीं एसओजी और भोटिया पड़ाव पुलिस ने छापा मारकर घर से लगभग 50 पेटी अनेकों प्रकार की ब्रांडेड शराब बरामद की। वहीं मौके पर मुख्य आरोपी फरार हो गया, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि नशे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जनरल अपना ड्यूटी और सर्च अभियान चल रहा था तो हमारी कोतवाली पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान में गोविंदपुरा सुभाष नगर में मोनपुर है और इसके घर के पास से जो है तकरीबन 50 पेटी अवैध शराब मिली है अंग्रेजी की, जिसमें तमाम अच्छे ब्रांड भी हैं, रेड लेवल है, 100 पाइपर है और भी इसी तरह के महंगे ब्रांड हैं। और वो 50 पेटी बरामद करी गई है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से इसको लेके आया। इसमें हम और इसमें अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे की तैयारी की जा रही है और पूछताछ में हम इसको जरूर मालूम करेंगे कि ये शराब ये लाए कहाँ से हैं। सर, लंबे समय से तस्करी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आज पकड़ा गया? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतने लेवल पर अगर किसी के पास शराब मिल रही है तो संभव है, ये भी हो सकता है। इसको हम पूछताछ के बाद ही इसकी जो है इस बारे में कुछ कह पाएंगे। 50 के इसमें चूंकि ब्रांड अलग अलग हैं तो इसलिए कीमत बताना तो संभव नहीं है। अलग अलग ब्रांड का कोई पुराना ऐतिहासिक अपराध नहीं, इसमें पुराना इतिहास अभी देखेंगे क्या है इसमें। एक हाँ, जो अभियुक्त मोंटू पकड़ा है, अमन जो है वो मौके से फरार भी हुआ है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है किसी और का? अभी पूछताछ चल रही है हमारी, इसमें टोटल 10 लाख करेंगे।